हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एच एस डबल वन डबल वन। कैसे हो आप सब? होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं करने जा रही हूँ रीडिंग सैजिटेरियस की और बताने की कोशिश करूँगी जो आने वाले 7 डेज हैं वो आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव लेकर आ रहे हैं, किस क्षेत्र में बदलाव लेकर आ रहे हैं और क्या गाइडेंस है जो यूनिवर्स आपको देना चाहती है। रीडिंग शुरू करने से पहले बता देना चाहूँगी, एक जनरल रीडिंग है तो जितना आपसे रेजोनेट करेगी उतना आप रख सकते हैं, बाकी जाने दे सकते हैं। टाइमलेस है तो जब भी आप यहाँ तक पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपकी रीडिंग रेजोनेट होती है तो यूनिवर्स को थैंक यू कहना ना भूलें। ऑलराइट, तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए ये नेक्स्ट बिग चेंज जो आने वाला है ये किस क्षेत्र में आने वाला है, कौन सी चीज़ है जिसमें ये बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब हम यूनिवर्स की तरफ से पहले कार्ड्स निकालते हैं। यूनिवर्स क्या कहना चाहती है? तो पहले फ्रेंड्स मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी। अगर आपको कार्ड शफलिंग पसंद नहीं है तो आप वीडियो को थोड़ा स्किप कर सकते हो। तो पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करूँगी। साइलेंस, मोमेंट टू मोमेंट नंबर टू, 17 एंड नंबर टू इज इम्पोर्टेंट। ओके, हियर कम्स द फ्लावरिंग। ओके, यहाँ से आया है ऑर्डिनरीनेस नंबर 8। 2 17 8 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है इस नेक्स्ट 7 डेज में। इनसिक्योरिटी, ये कार्ड बहुत आया है रीडिंग में, सारे लोग परेशान हैं लगता है अपनी ज़िंदगी में। एंड परसेप्शन, क्रिएशन। ओके, अब हम चारों से कार्ड्स देखते हैं। ओके, वी हैव द फर्स्ट कार्ड 9 of Wands। चैरियट, सिक्स ऑफ कप्स, वी हैव 8 of Cups, वी हैव 9 of Pentacles। ओके, यहाँ से आया है आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। दूसरे डेक से भी चेक करते हैं। We have 5 of Swords. We have Queen of Swords. Okay. We have 5 of Cups. 5-5 की energy है. We have the World card. And we have Ace of Wands. Okay. Let's see. यहाँ से नाइट ऑफ सोट्स का कार्ड आया है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग और बताते हैं किस एनर्जी में आप हो, क्या हुआ है, थोड़ा सा फ्लैशबैक करते हैं और फिर बताएंगे कि नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जी आपके लिए क्या है। देखिए सैजिटेरियस धनु राशि वालों, अगर मैं आपकी प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूँ तो मुझे प्रेजेंट सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बेबी स्टेप्स ले रहे हो अपनी ज़िंदगी में, यानी कि 1 step at a time, यानी कि आप एक कदम आगे बढ़ रहे हो, बहुत सोच रहे हो, समझ रहे हो और जो भी आपके दिमाग में प्लान्स चल रहे हैं आपकी ज़िंदगी को लेकर, आपने यू नो मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि आपने एक मैप बनाया हुआ है अपनी दिमाग में और आप उस हिसाब से ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिकली अगर मैं बात करूँ तो आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिक होकर, बहुत ही ज़्यादा यू नो सोच समझकर अपनी ज़िंदगी के हर कदम को बढ़ा रहे हो। देखो इसके अलावा मुझे ये भी आपके लिए दिखाई दे रहा है कि ऑब्स्टिकल्स तो हैं आपकी लाइफ में, अगर मैं आपकी
पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है, पर्सनल मतलब हमेशा लव लाइफ नहीं होता, मैं आपके पर्सनल ग्रोथ की बात कर रही हूँ कि कुछ चीज़ों को लेकर आपको इनसिक्योरिटी तो है, चाहे वो आपका लव अफेयर क्यों ना हो या फिर आपके पर्सनल ग्रोथ को लेकर क्यों ना हो, कुछ ऑब्स्टेकल्स जो हैं वो आपकी लाइफ में अभी आ रहे हैं, छोटे मोटे ऑब्स्टेकल्स जिसको कहीं ना कहीं आप चाहकर भी एक बार में ठीक नहीं कर सकते, चाहकर भी एक बार में उसको बदल नहीं सकते। तो छोटी मोटी दिक्कतें जो हैं वो अभी आपके लाइफ में चल रही है, ये कुछ टाइम के लिए है फ्रेंड्स, इसके बाद ये भी नहीं रहेंगे। इसका कारण ये हो सकता है क्योंकि अभी सन ट्रांजिट भी है, तो सन ट्रांजिट से भी थोड़े से प्लैनेट जब मूवमेंट करते हैं ना अपनी वन प्लेस टू अनदर, और सन ट्रांजिट जो है वर्गो में होने वाला है, तो उसका थोड़ा सा असर हर राशि पर पड़ता है। तो इसलिए मुझे आपके लिए ये भी नज़र आ रहा है कि यस, कहीं ना कहीं जो है आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती है। चाहे मान लीजिए कि आपको अपने पुराने किसी लवर का, या फिर आप किसी के साथ अगर ऐसे रिलेशनशिप में थे, आपको अचानक उनकी याद आ सकती है, उनकी याद से आपका मन थोड़ा सा है जो दुखी हो सकता है, या फिर अगर किसी रिलेशनशिप से आप मूव आउट हुए हो, उस पर्सन से अचानक आपकी बात हो जाए, या फिर उस पर्सन से आपकी मुलाकात हो जाए, मुलाकात अगर नहीं भी होती तो वो पर्सन हो सकता है आपकी ड्रीम में आ जाए। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बदलाव मुझे आपके लिए सैजिटेरियस इस 7 डेज में दिख रहा है। आपको यूनिवर्स ये भी कहना चाहती है नेक्स्ट 7 डेज में कि ऑल्दो आपको हर क्वेश्चन का आंसर पता है, आपको पता है कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हो, और बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही पीसफुली आप अपना काम कर रहे हो, ऑल्दो इनसिक्योरिटीज़ तो हैं आपके लाइफ में, और कहीं ना कहीं आप उस थीसिस में नहीं चलते कि लोगों ने कहा तो ये सच ही होगा। आप जब तक उस चीज़ को खुद से नहीं मान लेते, खुद से नहीं अडॉप्ट कर लेते, आप उस चीज़ पर आगे नहीं बढ़ते। बट आपको ये मैसेज डेफिनेटली दिया जा रहा है कि इस नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जी में आप क्या बोल रहे हैं, हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं उस पर आपको थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, पावर पोटेंशियल सारे लोगों के पास होती है, कोई दिखाता है कोई नहीं दिखाता है, किसी के पास ज़्यादा होती है किसी के पास कम होती है, बट यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहती है कि उसे अगर आप सही टाइम के लिए इस्तेमाल करें, या फिर अगर उसे सही चीज़ के लिए आप रख दें, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल है। तो कुछ ऐसा ना बोल दें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस नेक्स्ट 7 डेज में हो सकता है कि आपकी किसी से किसी सीनियर पर्सनल से या किसी सीनियर अथॉरिटी से हो सकता है आपकी थोड़ी सी बात विवाद हो जाए। तो थोड़ा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, आप क्या बोल रहे हैं, पोलाइटली अपने कामों को पूरी करने की कोशिश करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। पास्ट में जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड हुए हैं, जिनके साथ भी आपको ऐसा लगा है कि आपके सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, उनके साथ आपका कनेक्शन फिर से जुड़ सकता है, उस पर्सन को आप याद कर सकते हो। उस पर्सन को कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी दिख रहे हैं जो मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ओवरऑल आपकी जो एनर्जी है वो यही दिख रहा है कि अगर आप थोड़ा सा काम हो जाओ, क्योंकि आपकी एनर्जी थोड़ी सी अनस्टेबल लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ी हड़बड़ी है चीज़ों को जल्दी जल्दी पाने की, चीज़ों को जल्दी जल्दी करने की, मतलब पेशेंस की कमी मुझे आपके लिए दिख रही है सैजिटेरियस। तो यस, आपको यूनिवर्स यही कहना चाहती है कि धीरे धीरे जो है चीज़ें आगे बढ़ती हैं, ना आपकी इच्छा से बढ़ती है ना मेरी इच्छा से बढ़ती है, जब चीज़ों को आगे बढ़ना होता है तब बढ़ती है। फिनेंशियली आप कहीं ना कहीं मुझे ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हो, धीरे धीरे जो है आपका फिनेंशियल ग्रोथ भी मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल ज़ीरो में तो आप नहीं हो, आप लेवल 1 पर हो, आगे आगे आप धीरे धीरे जैसा वर्क करोगे लेवल 2-3 में भी आप अपने पैसे रुपये के मामले में भी आगे बढ़ोगे। पास्ट की बातों को ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, पास्ट में कौन पर्सन था, उसने आपके साथ क्या किया, किस पर्सन ने आपको क्यों छोड़ दिया, ये सारी चीज़ें अननेसेसरीली आपको तकलीफ देंगी। तो अगर आप इन चीज़ों पर अगर ध्यान नहीं देते हो और अपने बिहेवियर में पोलाइटनेस रखते हो तो आपके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या है यूनिवर्स जो आपको कहना चाहती है। लियो, डिस्ट्रप्शन। Wow, and the sun, and we have mental conflict. Yes, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि yes, mental conflict हो सकता है, बात विवाद हो सकती है, तो अपने बातों का ध्यान रखें। यहाँ पे देखिए टावर का भी कार्ड आया है, disruption का, पर बीच में sun भी आया है, यानी कि अगर आप चीज़ों को balance करते हैं तो आपके life में उजाला है, sun है, और यहाँ पे bottom से आया है power का कार्ड, तो yes, ये भी strength की बात करता है।
तो सैजिटेरियस आपको यही बोला जा रहा है कि क्या बोल रहे हैं, क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, उस पर ध्यान रखें। और यूनिवर्स ने भी अप्रूव कर दिया कि यस, जो भी मैंने आपको चैनल मैसेज दिए हैं इन कार्ड से वही सच है। आपको थोड़ा मेंटल कन्फ्लिक्ट से बचना है, लोग क्या कह रहे हैं ट्रैप नहीं हो जाना है, थोड़ा अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है और फिर आगे बढ़ना है। अगर कोई आपसे बड़े हैं, कोई अथॉरिटी है जो कहीं ना कहीं आपको पता है कि वो आपसे बड़े हैं, उनका ओहदा बहुत बड़ा है आपके जॉब पोजीशन में या फिर आपके वर्क में, अगर आपको कोई सजेशन दे रहे, अगर आपको पसंद नहीं भी आता है फिर भी उस चीज़ को सुने, बाद में उसे किसी के साथ डिस्कस करके फिर आप उसका आंसर आप दे सकते हैं। बातों को काटे नहीं, अगर कोई बात बोल रहा है समझने की कोशिश करें। ऑलराइट, लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से और कोई अगर गाइडेंस मैसेज है आपके लिए तो ओके ओके बहुत सारे आ गए। स्टार गारंटीड सक्सेस, तो सक्सेस तो आपकी जिंदगी में आ रहा है। सोरो ओवर अ लॉस, तो यस, कहीं ना कहीं कुछ दुख भरी घटना हो सकती है, आप सुन सकते हो तो हो सकता है ये आपको सुनने को मिले। चेंजेस इन योर लाइफ, लाइफ में आपके चेंजेस आ रहे हैं। टेक केयर और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटीरियल वेल्थ, थोड़े अपने पैसे रुपए का ध्यान रखें, अगर आप ध्यान नहीं रखते तो हो सकता है आपको लॉस बेयर करना पड़े। मेजर चैलेंजेस टू ओवरकम, तो मेजर चैलेंजेस अगर आपके इस हफ्ते में रहते हैं जो कि मैंने आपको बताया ही था, तो उसको आप ओवरकम कर पाओगे। समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग यू वॉन्ट, तो कोई आपके और आपके अच्छे मित्र जो है उनके बीच में आना चाह रहा है या फिर किसी चीज़ के पीछे आना चाह रहा है जिसके पीछे आप भी हो, तो थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस, तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो, जैसे कि मैंने बोला कि आप काफ़ी इंटेलेक्चुअल हो और आप ऑलरेडी एक आपका गाइड मैप चल रहा है जिस हिसाब से आप आगे बढ़ रहे हो ज़िंदगी में, जिस हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी में डिसीजंस ले रहे हो, बेबी स्टेप्स ले रहे हो, एक एक कदम सोच कर चल रहे हो, बस आसपास की एनर्जी को थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है तो बाकी सारी चीज़ें आपके लाइफ में एडजस्ट हो जाएंगी। ऑलराइट, तो धनुराशि वालों ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर।